दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए NRHM भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के CD भर्ती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, ना ही कोई आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सैलरी की बात की जाए तो 30,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस भर्ती की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस NHM भर्ती पर अप्लाई कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जो फर्स्ट नंबर का नोटिफिकेशन है वो है असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए, और जो सेकेंड नंबर का नोटिफिकेशन है वो है मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती की जानकारी देंगे, उसके बाद हम आपको मेडिकल ऑफिसर भर्ती की जानकारी देंगे। स्टेप वाइज आप ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। जी दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर का नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहां पर देख सकते हो। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पंजाब ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी किया है, जो कि 9 खाली पदों को भरने जा रहे हैं असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के। 30,000 रुपये पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो पंजाब जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। वही बात आवेदन शुल्क की जाए तो आपको इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के बेस पर इसमें आपका सीधा चयन किया जाएगा। अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट है pbnrhm.org। डेट ऑफ इंटरव्यू की, जो कि इंटरव्यू आपको अटेंड करना होगा, उसकी डेट यहाँ पर 13 मार्च 2019 है। 13 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट नंबर जॉब की जानकारी, उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड नंबर की जॉब देख सकते हो, जो निकली है मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। इसके लिए टोटल 297 पद खाली है। वही बात सैलरी की जाए तो 15,600 से 39,100 सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेड पे इसके लिए 5,400 रुपये रहेगा। इस भर्ती के लिए MBBS डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 37 वर्ष है। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन की बात की जाए तो पंजाब है, इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल या OBC के लिए 1,000 रुपये है, SC ST EX सर्विसमैन के लिए 600 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए भी आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, इसमें भी इंटरव्यू के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेकंड नंबर की जॉब है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है nhmpunjab.in। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट 18 फरवरी थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 फरवरी 2019 है। शाम 3 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट और टाइम है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। 2 और 3 मार्च 2019 को आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा सुबह 10 बजे। तो दोस्तों चलिए इसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट की नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब ने ये नया नोटिस जारी किया है। इसमें यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो, असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। इसके लिए जनरल के लिए इसमें 1 पद खाली है, SC के लिए 4 है, BC के लिए 1 है, ESM के लिए यहाँ पर 2 है और PH के लिए 1 पद खाली है। जी दोस्तों, यहाँ से आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। सैलरी 30,000 रुपये है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्पिटल या एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। 2 साल का यहाँ पर रेगुलर इसमें टाइम डिग्री का मांगा गया है। साथ साथ और करके भी आप देख सकते हो, इसमें भी 2 साल का रेगुलर फुल टाइम डिग्री इसमें मांगा गया है। साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह आप देख सकते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट यहाँ पर देख सकते हो, 13 मार्च 2019 को आपको वॉक इन इंटरव्यू सुबह 10 बजे अटेंड करना होगा असिस्टेंट हॉस्पिटल की पोस्ट के लिए। या दोस्तों आयु सीमा आप यहाँ से भी देख सकते हो, 18 से 37 वर्ष यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं उनके लिए यहाँ पर दी गई है। रिजर्वेशन और नॉलेज ऑफ पंजाबी भी आप चेक कर सकते हो। वेन्यू भी देख सकते हो, जिस वेन्यू पर आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मिशन डायरेक्टर NHM पंजाब, 5th फ्लोर प्रयास बिल्डिंग, सेक्टर 38 बी चंडीगढ़। यह इसका एड्रेस है, वेन्यू का। इस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा।
या दोस्तों यहाँ पर और भी कंडीशंस दी गई है वाकिन इंटरव्यू से रिलेटेड, जो आप अप्लाई करने से पहले पूरे रीड कर सकते हो। या दोस्तों इनको जरूर रीड कर लीजिएगा, तभी आप सिंपली वाकिन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो। या दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी इंटरव्यू के टाइम में यहाँ पर मांगे गए हैं, साथ साथ जो और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर इसी में दी गई है। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट नंबर जॉब की पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ। साथ साथ इस वीडियो में हम आपको एंड में जानकारी देंगे कि इनमें से किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सेकंड नंबर की जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर की, इसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे। यहाँ से आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब ने नया नोटिस जारी किया है, वॉकिन इंटरव्यू इसमें आपको अटेंड करना होगा। पब्लिक नोटिस आप यहां से देख सकते हो, साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो वॉकिन इंटरव्यू आपको 297 पोस्ट के लिए अटेंड करना होगा। मेडिकल ऑफिसर पोस्ट है इसमें 2 मार्च और 3 मार्च को आपको वॉकिन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। या दोस्तों यहां से भी आप डेट देख सकते हो, संडे के दिन और सैटरडे के दिन आपको वॉकिन इंटरव्यू अटेंड करना होगा सुबह 10 बजे। यहां से आप नेम ऑफ स्पेशलिस्ट चेक कर सकते हो, अलग अलग यहां पर स्पेशलिस्ट दी गई है, आप यहां से चेक कर सकते हो। वेन्यू भी आप यहां से चेक कर सकते हो जिस वेन्यू पे आपको वॉकिन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। आप यहाँ से पूरा वीडियो को पॉज करके पूरा वेन्यू रीड कर सकते हो। या दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pbhealth.gov.in। इस पोर्टल से आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा 26 फरवरी 2019 तक शाम 3 बजे तक आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाद में वॉकिन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट की पूरी डिटेल्स देख सकते हो। यहाँ पर टोटल सैलरी की बात की जाए तो 15,600 से 39,100 है, प्लस ग्रेड पे 5,400 इसमें रहेगा। MBBS डिग्री धारक इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर आप और भी कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दी गई है, जो आप पूरा रीड कर सकते हो। वेन्यू डेट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो 0172226693। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से भी आप डेट वगैरह चेक कर सकते हो। साथ साथ ऑनलाइन करने के लिए आपको pbhealth.gov.in इस पोर्टल से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। टर्म एंड कंडीशंस भी यहाँ पर दी गई है। या दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जो फर्स्ट नंबर की भर्ती थी उसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। ये सेकंड नंबर की भर्ती है, इसके लिए आपको 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी को जमा करने होंगे और 600 रुपये SC और बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी को जमा करने होंगे, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे कर सकते हो। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इसके माध्यम से आप फी जमा करा सकते हो। साथ साथ यहाँ से आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ दोस्तों जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो आयु की यहाँ पर जानकारी दी गई है, 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से की जाएगी। आयु में छूट भी यहाँ पर दी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। SC या BC कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, यानी कि यहाँ पर 42 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। और फिजिकली हैंडीकैप्टेड के लिए 10 साल की छूट है, यानी कि यहाँ पर 47 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा इनके लिए यहाँ पर दी गई है। जहाँ दोस्तों यहाँ पर आप और भी कंडीशंस आयु से रिलेटेड चेक कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में दी गई है, स्क्रीन पर ही आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप ये पूरी डिटेल स्टेप वाइज रीड कर सकते हो। या दोस्तों यहाँ से आप क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन इन MBBS में 20% मार्क्स यहाँ पर ऑब्टेन MBBS में, टोटल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो 100 है, उसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 20 दिए गए हैं। या दोस्तों आप ये यहाँ से पूरा रीड कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स कितने आपको यहाँ पर ऑब्टेन करने होंगे। साथ साथ यहाँ से आप और भी कंडीशंस दी गई है, इसमें आप फॉलो कर सकते हो। अकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू यहाँ पर सिलेक्शन से रिलेटेड पूरी जानकारी दी गई है। और साथ साथ जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलने वाली है। यहाँ दोस्तों यहाँ से भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज पूरी चेक कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए देख सकते हो मेडिकल ऑफिसर की यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है, यहाँ पर 13 वैकेंसीज इनके लिए यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर स्पोर्ट जनरल के लिए देख सकते हो 7 वैकेंसीज है, और ESM जनरल के लिए 19 वैकेंसीज है, हैंडीकाप जनरल के लिए 16 है, SC RN O के लिए 64 है, ESM SC RN O के लिए 14 है, SC के लिए 84 है, ESM SC के लिए 4 है, Sport SC के लिए 5 है, BC के लिए 56 है, BC ESM के लिए 10 है, और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए भी 3 वैकेंसी है, हैंडीकाप SC के लिए 2 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर खाली पद 297 है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो रिमेनिंग वैकेंट पोस्ट यहाँ पर दी गई है 297। यहाँ से आप वैकेंसीज की पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। साथ साथ यहाँ से आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज डिटेल देख सकते हो खाली पदों की। मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ से भी आप स्पेशलिटी के हिसाब से देख सकते हो 20 वैकेंसी है, साथ साथ अलग अलग स्पेशलिटी के यहाँ से आप पूरी वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी सेकंड नंबर जॉब की पूरी PDF जो कि हमने आपको डिटेल्स में दिखाई। इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pbhealth.gov.in पर
विजिट करना होगा, इसी पोर्टल से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी हम आपको डायरेक्ट लिंक देंगे, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर आप यहां से इस भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहां पर असिस्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट के लिए यहां पर पूरी डिटेल्स दी गई है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी PDF ओपन हो जाएगी जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ जो दूसरी नंबर की पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, इसकी डिटेल्स भी आप यहीं से चेक कर सकते हो और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये इसकी PDF की नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ इस भर्ती के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप इसके अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसी पोर्टल से आप सिंपली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो रहा है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। तो यहाँ पर ये इसका अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो गया, यहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग डिसिप्लिन दी गई है, उनमें उन्हीं के सामने आपके अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर टैब दी गई है। इस टैब पर जैसे आप क्लिक करोगे, किसी भी टैब पर आपको क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। जिस भी स्पेशलिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको वहीं पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, जेंडर मेल या फीमेल, और यहाँ पर फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पर नेशनलिटी, कैटेगरी और पूरी डिटेल्स आपको इसी स्ट्रक्चर में पूरी फिलअप करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक टू जनरल फाइनल स्कोर के लिए आपको क्लिक करना होगा। ऐसे आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, किसी भी डिसिप्लिन के लिए आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की भर्ती की पूरी जानकारी। NHM भर्ती की पूरी जानकारी हमने आपको डिटेल्स में दिखाई, दो पोस्ट इसमें निकली है, दोनों की नोटिफिकेशन अलग अलग है। और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए सेकंड नंबर की पोस्ट है, जो फर्स्ट नंबर की पोस्ट है इसके लिए आपको ओनली वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।